हेलो गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज देसी रैडर और स्वागत करता हूँ आप सबको एक अनदर ब्लॉग पे गाइस, अनदर मॉर्निंग पर। देखो अभी सुबह सुबह मैं लगभग मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं और मैं इधर शहर साइड आया हूँ और अपना स्कूटी है भाई मस्त चलता है, भागता है, दौड़ता है, सब कुछ करता है तो राइड करने में। और देखो मस्त कितना खुला मौसम है, अगर ध्यान से सुने ना जंगल के किनारे तो एकदम पक्षियों का आवाज़ जो इतना प्यारा सुनाई दे रहा है ना, उसको सुनोगे तो कितना सुकून मिलेगा। थोड़ा सा मैं चुप हो जाता हूँ, शायद आप लोगों को उसका आवाज़ आ जाए। क्या बोलती पब्लिक। तो अभी मैं अपने घर पर हूँ और भोजन वगैरह कर लिया हूँ। भोजन करने के बाद लगभग 2 घंटा तो बिता चुका हूँ, उसके बाद मैं अपने घर में कुछ खाने का चीज़ बना हुआ है तो मैं वो चीज़ें आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ भाई। और ये सीजन का जो फल है ना, वो चीज़ मैं पहली बार खाने वाला हूँ, तो देखते हैं भाई क्या बना है। और देखो ये कुकर में, 2 कुकर दिख गया, इसमें दाल था और इसमें ही में है अपने खाने का खजाना। सो देखते हैं, 1 2 3 भाई भुट्टा उबाला हुआ है इसमें तो एक भुट्टा उठा लेता हूँ, इसको मैं खा लूंगा भाई। और इसको करते हैं बंद। सो फ्रेंड्स, आज है अगला दिन, सुबह हो चुकी है बट सनराइज अभी तक दिख नहीं रहा है यार। मतलब मौसम बादल वाला मौसम है मस्त भोर भोर में, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा आज सुबह उठ के इधर अपने खेत साइड राउंड मारता हूँ। तो मस्त हवाएं चल रही है, मस्त ठंडा लग रहा है और इधर आप लोग खेत साइड देखो पूरा धान ही लगा हुआ है, पूरा हरा भरा लग रहा है। जितना दूर देखोगे उतना ही दूर में खेत में धान लगा हुआ दिखेगा। सो मस्त सुबह सुबह थोड़ा घूमते हैं और एंजॉय करते हैं। सो गाइस, इसी को बोलते हैं ना इंग्लिश में ऑफ रोडिंग करना। देखो मैं वन हैंड में ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ, बाकी एकदम बैलेंस बना के चलना पड़ेगा नहीं तो फिर गिर जाएंगे। ये जो खेतों में धान दिख रहा है ना, तो मैं बोते टाइम भी वीडियो डाला हूँ मेरा चैनल में, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप लोग विजिट कर सकते हो कि यह जगह पूरा खाली था, इसको जुताई करने के बाद धान बोए और देखो धान कितना सुंदर लग रहा है, वैसे बढ़ रहा है और थोड़ा सा पक जाएगा तो कुछ दिनों में फिर टाइम लगेगा भी एक आध
डेढ़ महीना दो महीना उसके बाद में फसल तैयार हो जाएगा। तो मेरा प्लाट वहाँ तक है, ऊपर तक, तो आगे भी जाके देखते हैं कि उधर का धान कैसा है। थोड़ा रास्ता डेंजर वाला रास्ता है, इसमें देख देख के जाना पड़ेगा, संभल संभल के जाना पड़ेगा, नहीं तो पता चला कहीं गड्ढा में पैर घुस ना जाए और मैं डायरेक्ट गड्ढा के अंदर ना चले जाऊं। क्या मौसम है भाई, क्या मौसम है। तो जैसे कि यहाँ पे 6:20 हो रहा है सवेरे के, तो मुझे लगता है रिटर्न भी होना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ से रिटर्न भी होना चाहिए क्योंकि आज शनिवार है और मुझे अपना शॉप भी ओपन करना है। गाइस कस्टमर लोग आएंगे नहीं तो फिर उनको धोखा हो जाएगा। तो बस हो गया मस्त, और कितना ना मस्त हवाएँ चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हो पेड़ पत्ता कितना हिल रहा है। आहा, वाओ, कितना सुकून भाई, कितना सुकून, एकदम वाओ। जंगलों में, पहाड़ों में ना कुछ अलग ही वाइब है गाइस। शहर में तो जाओगे साला गाड़ी का आवाज इधर उधर, दिमाग खराब हो जाता है। अगर सुकून चाहिए तो मस्त जैसे ऐसे जगह में आओ और मस्त बैठ जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स हो अकेले में, तो कितना सुकून मिलेगा, मज़ा ही आ जाएगा। कितना मस्त हवाएं चल रही हैं। तो मैं आया हूँ, एक काम तो करना भूल जा रहा था, थोड़ा सा इंस्टा रील भी बना लेता हूँ भाई, क्योंकि इतना मस्त मॉर्निंग है तो थोड़ा सा इंजॉय कर लेता हूँ, इंस्टा रील्स बनाता हूँ। तो अगर आप लोग मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो नहीं किए हो तो यार लिंक दिया हूँ यूट्यूब चैनल पर, इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हूँ, दे रहा हूँ, तो उसको जाके आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो और फॉलो करना और रील्स वगैरह देखो और इन्जॉय करता रहना, ठीक है। तो गाइस अपन लोग एक खूबसूरत वेदर वाइब के साथ आज का ये ब्लॉग को समाप्त करेंगे और मिलेंगे आपसे जल्द ही नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस।